प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष बोलरिया। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से। औरैया के एक्वाकटरा कस्बे में डीआई ज्योत्सना आनंद ने पुलिस टीम के साथ मेडिकल स्टोर पर छापा मारा, जिससे कस्बे के मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान गुप्ता मेडिकल स्टोर पर एक्सपायरी दवाओं के 4 बोरियां बरामद की गईं, जिस पर संज्ञान लेते हुए डीआई ज्योत्सना आनंद ने कार्रवाई की बात कही है। मैम, आज आपके द्वारा एक्वाकटरा मौके पर पहुंचकर कई मेडिकल पे छापा मारा गया, क्या इसका मामला था, किस वजह से छापा मारा गया? ये जो छापे मारे गए हैं, जिलाधिकारी था और साथ में हमारे सहायक आयुक्त कानपुर मंडल कानपुर, उनके द्वारा गठित टीम के द्वारा हमने जो है वो निरीक्षण किया। 3 मेडिकल स्टोर की हमें एक शिकायत मिली हुई थी, जिसके द्वारा हम यहाँ पर आए और हमने छापे मारे। क्या कुछ बरामद हुआ, क्या है? हाँ, हमने जो 3 मेडिकल स्टोर छापे किए, जिसमें कि गुप्ता मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर भारी मात्रा में जो है एक्सपायर्ड ड्रग जो है बरामद हुई। आपको बता दें कि डीआई ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की है, 35 साल पुराना दवाओं का स्टॉक हुआ बरामद। ये बड़ी खबर है, 35 साल पुराना दवाओं का स्टॉक बरामद हुआ है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता औरैया से अमित शुक्ला मौजूद हैं। अमित, औरैया के एक्वाकटरा कस्बे में डीआई ज्योत्सना आनंद ने पुलिस टीम के साथ मेडिकल स्टोर पर छापा मारा है, जिसे कस्बे में मेडिकल स्टोर संचालक में हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान मेडिकल कॉलेज स्टोर से एक्सपायरी दवाओं की 4 बोरियां बरामद हुई हैं, क्या खबर है आपके पास इसको लेकर? जी बिल्कुल सर, बताना चाहूंगा कि अचानक डीआई ने बीमारी की, जिससे मेडिकल संचालकों में काफी हड़कंप मच गया और काफी मेडिकल संचालक मेडिकल स्टोर बंद करके वहां से भाग गए। और लेकिन 3 मेडिकल पे छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा, एक गुप्ता मेडिकल स्टोर जो एक्वाकटरा में है, उसमें भारी मात्रा में 4 गोलियां बरामद हुई, जिसको लेकर सीओ महेंद्र प्रताप सिंह और थाना अध्यक्ष राम साहेब पटेल के नेतृत्व में तुरंत उनको एक्वाकटरा थाने में सपुर्द करा के और सीज की गई। अमित जी, 35 साल पुरानी दवाओं का जखीरा मिला है इनके पास से, ये कितनी घातक हो सकती थी आम जनता के लिए ये दवाएं? जी 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 बिल्कुल, इसी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चारू निगम और अपर पुलिस अधीक्षक सुषपाल सिंह के निर्देशन पर यह कार्रवाई की गई है। ये कैसे पता चला कि ये इनके पास ये इतनी भारी संख्या में इतनी ये दवाइयां मौजूद हैं, ये मुखबिरी कैसे इनको पता चली और उस पर क्या कार्रवाई की गई है? सर, जिला अधिकारी महोदय के पास शिकायत बराबर पहुंच रही थी, जिसको देखते हुए तुरंत मामला संज्ञान में लिया गया और हर जगह छापेमारी की जा रही। वहीं डीआई ज्योति बताया कि बराबर ऐसे ही छापेमारी की जाएगी। दवाइयों का इतना बड़ा जखीरा बरामद हुआ है, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि ये दवाइयां अगर आम जनता इनको इस्तेमाल करेगी तो किसी की जान भी जा सकती है। और जाहिर सी बात है कि दवाइयों का जखीरा रखा है तो ये दवाइयां ये बेची जा रही थी। एक बड़ा मामला है, संज्ञान में लेने लायक है। इस पे क्या कार्रवाई की गई है, FIR दर्ज हुई है कि नहीं हुई है, इस पे क्या कार्रवाई, मैं जानना चाहता हूं। कोई कार्रवाई नहीं की गई, देर रात तक ये बराबर चलता रहा मामला और थाने में जाकर बोरियां सब ठीक करा कर रखवा दी गई, लेकिन अभी तक कोई FIR नहीं की गई। अमित, इस खबर पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आज लखनऊ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने चारबाग के KKC 13 स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति का पहुंचकर सनाती चिंतक की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उनका भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह चौधरी BJP के नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। आज उन्होंने उनका लखनऊ में आगमन था, आगमन की तैयारियां बड़ी जोर जोर से की गई।
पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। खुद डिप्टी सीएम बिजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनको रिसीव करने के लिए, उनको लेने के लिए चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचे, उनका भव्य स्वागत हुआ। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु मौजूद है। विभांशु, आज प्रदेश के नए निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष भूपेन चौधरी का लखनऊ आगमन हुआ है, बहुत ज़बरदस्त तैयारी थी, पूरा लखनऊ भगवामय हो गया था, क्या जानकारी आपके पास को लेकर, आप पूरे दिन आपने लाइव किया इसको लेकर? जी मनीष जी, आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का आज लखनऊ में प्रथम आगमन था। जब से वो उनको नियुक्त किया गया है उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद वो दिल्ली में 3 दिन रहे, उसके बाद वो सूबे की राजधानी लखनऊ के प्रदेश कार्यालय पहुँचे। वहाँ पहुँचने के आपको बताएं कि वो वहाँ से राजधानी ट्रेन से, वो शताब्दी ट्रेन से माफ करिएगा, लखनऊ आए और चारबाग से लेकर पार्टी के दफ्तर तक, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक पोस्टर लगाए गए थे। स्वागत के लिए कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर फूल माला लेकर वहां तैयार थे और चारबाग रेलवे स्टेशन पे जो जब वो पहुंचते हैं तो उनके स्वागत के लिए सूबे के दोनों उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य और वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पांडे और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में उनका स्वागत किया गया। उनको वहां से रथ पर बिठाकर, जो आधुनिक रथ है उस पर बिठाकर और पार्टी के कार्यालय लाया गया। उस बीच में हर एक जगहों पर कार्यकर्ता उनका रोक कर उनको माला पहनाए, साथ ही साथ स्वागत किए। और वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश दफ्तर की, तो यहाँ लगभग देख ऐसा लग रहा था कि आज कोई त्यौहार हो, क्योंकि कार्यकर्ताओं के अंदर एक अलग सा जोश था, उमंग था और उनके हाथों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे थे और उससे साफ उन झंडों के लहराने से उनके जोश जो है वो छलक रहे थे। वहीं अगर बात की जाए तो सबसे पहले वो आते हैं और पार्टी कार्यालय के ठीक बगल में स्थित भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का लोक भवन स्थित उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं, वहां पुष्प अर्पित करते हैं। उसके ठीक बाद वो जीपीओ स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हैं। उसके ठीक समीप में बने महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के जो प्रतिमा है उस पर पुष्प अर्पित किए। उसके ठीक बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने के बाद वो सूबे के कार्यालय गए, वहाँ जाकर प्रदेश कार्यालय गए। वहाँ जाकर आपको बताएं कि तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता उनके स्वागत के तैयारियों में डूबे हुए थे और ढोल नगाड़े और तमाम बैंड बाजे से और तमाम गानों से उनका स्वागत किया गया। उसके ठीक बाद उन्हें जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं उनकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय ले गया गया। वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और 2024 को लेकर अभी से रणनीति तैयार करने की बात कही। जी मनीष जी, पश्चिमी यूपी के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं भूपेन चौधरी, जाटों को भी साधने में काफ़ी इनकी अहम भूमिका रही है और अब प्रदेश की 2024 को लेकर एक बड़ी कमान, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई, एक रूपरेखा बनाने के लिए एक बड़ा उनको एक दायित्व दिया गया है। आपको क्या लगता है वो कहाँ तक यूपी के प्रदेश की राजनीति में वो कहाँ तक इसको फुलफिल कर पाएंगे, कहाँ तक वो खुद को साबित कर पाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है?
जी मनीष जी, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी एक अगर देखें तो एक अच्छा छाप छोड़ा था उन्होंने विधानसभा चुनाव में। वहीं आपको बताएं कि 2017 में इन्होंने पंचायती राज मंत्री के तौर पर अपना जिम्मा संभाला था और योगी सरकार 2.0 में भी इन्हें पंचायती राज मंत्री बनाया गया था। साथ ही अगर बात करें तो पश्चिम, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में वो कहीं ना कहीं मुश्किल नजर आ रही थी, और अगर बात करें तो दो फेज का चुनाव पश्चिम में था। अगर पहले फेज की बात करें तो 11 जिलों की 58 सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार फर्स्ट नजर आ रही थी, मगर जब विधानसभा के परिणाम आए तो उसमें दो नेताओं के नाम आगे निकल के आए। पहले आपके गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और दूसरे अगर पंचायती राज में तत्कालीन और नव नियुक्त भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। इन दोनों का नाम अगर देखें तो विधानसभा चुनाव के बाद एकदम निकल के आया, और कहीं ना कहीं परिणाम भी आपने देखा कि लगभग 40 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी सफलतापूर्वक निकाल ली। इसका कहीं ना कहीं देखें तो इनाम भूपेंद्र सिंह चौधरी को मिला है, और साथ ही साथ अगर देखें तो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो जाट है, जो गुर्जर है, जो चौधरी समाज के लोग हैं, उनको जोड़ने के लिए और साथ ही साथ उस क्षेत्र में अपने समीकरण को फिट करने के लिए भूपेंद्र सिंह चौधरी को कमान संभाली गई है। अगर इनके व्यक्तित्व की बात करें तो एक माना बताया ये जाता है कि ये बेहद सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं। ये अगर इनके अगर बात करें तो राजनीतिक कैरियर की तो 2016 में इन्हें विधान परिषद के वास्ते भेजा गया था। साथ ही साथ एक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान से कार्यकर्ता के तौर पर अपनी तमाम भूमिकाओं निभाने के बाद आज उन्हें सूबे के सबसे देश के सबसे बड़े सूबे के बीजेपी पार्टी के उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दिया गया है जिम्मा। तो कहीं ना कहीं वो इस जो पद है उसको पूरी तरह से इसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और उसका जो सत्ता के शीर्ष अपने अगर समय में है तो उसको बरकरार रखने का वो इस पे काम करेंगे। वहीं अगर बात करें तो चुनौती बहुत बड़ी होगी क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं देखा जाए तो वोट परसेंटेज के हिसाब से इस बार समीकरण कहीं ना कहीं सीटें निकली मगर समीकरण कहीं ना कहीं खराब निकल के आया। इसको डैमेज कंट्रोल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। साथ ही अगर देखें तो अगर उत्तर प्रदेश के अंदर में 80 लोकसभा सीटें हैं तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र से, पश्चिम क्षेत्र से प्रदेश अध्यक्ष देकर वहां जो डैमेज था उसको कंट्रोल कर ही रही है। साथ ही साथ 80 सीटों की बात पर भूपेंद्र चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि हम 80 से 80 सीट निकालेंगे, मगर सेमीफाइनल के तौर पर हम निकाय चुनाव को देख सकते हैं। साल के अंत में प्रदेश में निकाय चुनाव है और उसमें माना यह जा रहा है कि इस बार जो लड़ाई होगी वो कांटे की होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि भूपेंद्र चौधरी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी कैसा प्रदर्शन करती है। साथ ही आपको बताएं कि जब उनके आज कार्यक्रम को एक आज उनके स्वागत को एक इवेंट के तौर पर भाजपा प्रस्तुत की है और चारबाग से और पार्टी कार्यालय तक पूरा भगवामय और पोस्टरों से पटा रहा है, और कहीं ना कहीं देखें तो उत्तर प्रदेश पुलिस का भी एक अहम आज रोल रहा है क्योंकि भारी संख्या में कार्यकर्ता थे और शांतिपूर्वक सब कुछ खत्म हो चुका है। और अभी बात करें तो अब भूपेंद्र सिंह चौधरी जो तमाम पार्टी के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, गणमान्य हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। जी जी विवांशु, सही कहा आपने। इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हुए थे वाराणसी में भी गंगा का विकराल रूप अब चारों ओर देखने को मिल रहा है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 74 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से रामनगर का किला भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इस बात को लेकर के पर्यटकों में मायूसी भी देखी जा सकती है। बनारस में गंगा का रौद्र रूप जो है वो अब चारों तरफ देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त खड़े हैं रामनगर पुल पर। आपको बता दें कि लंका से रामनगर को यह पुल जोड़ने का काम करता है। अहम बात यह है कि मैं इस वक्त आपको दिखाऊंगा तस्वीरों में कि देखिए यहाँ पर रामनगर किला है, जो कि राजा नरेश का रामनगर किला है, जो कि पर्यटक यहाँ आते हैं और इस किले को घूमने के लिए आते हैं। वो जो गुंबज आप देख रहे हैं लाल कलर का, वहीं से पर्यटक जो है गंगा का दीदार करते हैं, वहीं से गंगा का दर्शन करते हैं। उसके बाद इन दिनों सुरक्षा को देख करके पर्यटक पर रोक लगा दी गई है और कोई भी पर्यटक आ नहीं रहे। किला एकदम सूना पड़ा हुआ है। वहीं हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए ये जो टावर है ये
आम दिनों में अमूमन देखा जाए तो ये लगभग 30 से 35 फुट नीचे दिखाई देता है इसका पिलर, लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो पिलर है 1.5 से 2 फुट दिखाई दे रहा है, जो वो आम दिनों में अमूमन इसको 30 से 35 फुट तक देखा जाता है। तो गंगा कहीं ना कहीं माँ गंगा ने अपना विकराल रूप ले लिया है। और आपको बताते चले कि यहाँ पर इस वक्त जो पैटर्न क्या हो या कुछ हो, सबके ऊपर जो माथे पर वो सिकन है, कहीं ना कहीं दुश्वारियाँ देखने को मिल रही है। और बात की जाए अगर तो प्रशासन पूरी तरह से NDRF की टीम को लेकर के और जल पुलिस को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों की सुरक्षा की जो जितनी भी सुरक्षा की जाए वो मुहैया कराने में जुटी हुई है। वाराणसी से प्राइम TV के लिए आफ्ताब आलम। इस खबर पर हमारे संवाददाता वाराणसी से आफ्ताब आलम जुड़े हुए हैं। आफ्ताब, वाराणसी में गंगा का विकराल रूप फिर एक बार देखने को मिल रहा है। गंगा का जल स्तर 74 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ गया है। क्या समस्याएं आ रही वहां की रहने वाले आसपास के एरिया में लोगों को? केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा का जलस्तर वाराणसी में सोमवार को दोपहर 12 बजे तक 72.4 मीटर दर्ज किया गया है। गंगा अब गलियों के रास्ते होते हुए शहरी इलाकों में बढ़ चुकी है। ऐसे में घाट के समीप इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ में अब माँ गंगा अपना विकराल रूप दिखाने को तैयार हो चुकी है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ाव जारी है। वहीं गंगा खतरे के बिंदु को पार कर चुकी है। प्रशासन ने सुरक्षा के क्या इंतजाम कर रखे हैं वहां पर? जिस सुरक्षा की बात अगर की जाए तो प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन बाढ़ काफी है और प्रभावित लोग बाढ़ से काफी लोग हैं। अब तक हजारों से ज्यादा लोग काफी प्रभावित हैं, बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं, जिनके लिए राहत सामग्री प्रशासन मुहैया करवा रही है। और आपको बता दें कि ये आपको राहत केंद्र बनाया गया है, उस पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है। लगातार लोगों को वहां पर पहुंचाया जा रहा है और लोगों में काफी निराशा है। और आपको बता दें कि चिराई गांव, सामने घाट, सारे इलाकों में वरुणा के 80 नदियों परवा यानी कि 150 से अधिक कॉलोनियां भी प्रभावित हुई हैं। इनमें हजारों लोगों ने प्लान करना पड़ा है। प्लान किए हुए लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन कैसे कर रहा है, इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? जी, NDRF की टीम लगी हुई है और लोगों को खाने पीने की चीज मुहैया कराई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि साथ साथ आज AK सतीशगढ़ी कमिश्नर ने लोगों को, जो लोग अपने घरों को छोड़ करके दूसरी जगह पलायन किए, उनके घरों की सुरक्षा करने के लिए थाना प्रभारियों को पूरी तरीके से तकैद किया है कि आप लोगों को मार्क डील करना है, पूरे तरीके से चौकस चबंदी रख करके पूरी व्यवस्था है, यानी कि उनके ऊपर पूरा ध्यान देना है कि जो उनके घरों में ताला बंद है, चोर लोग चोरी ना कर सके। आफ्ताब, पीड़ित परिवारों जो पलायन कर रहे हैं उनको लेकर स्वास्थ्य विभाग कहाँ तक अलर्ट है और कहाँ तक उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर तैयारी की है? जी, पीड़ित राष्ट्रीयों के रिश्तेदारों को यहाँ पर आपको बता दें कि आंकड़ों की बात करें तो कम 70-78 बाढ़ पीड़ितों को, राष्ट्रीयों और रिश्तेदारों को यहाँ घरों का विकसित किया गया है। बाढ़ के पानी से जिले के 370.2 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है और 1000 से ज्यादा दुकानें जलमग्न हुई है। केंद्रीय जल आयोग रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बढ़ रहा है। धन्यवाद आफ्ताब इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहां से पलायन जारी है, खबर औरैया के विधुना तहसील क्षेत्र से, जहां पूर्व विधायक के गेस्ट हाउस में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश की जनता BJP को उखाड़ने का मन बना चुकी है। कौन दोषी है आपका? ये सरकार के लोग जा कर अस्पताल में घूम रहे हैं, लेकिन क्या अस्पताल की सूरत बदल रही है? ना दवाई है, ना इलाज है, और अगर ऑपरेशन भी होना है तो महीनों की डेट मिली है तब जा करके ऑपरेशन होगा। जो एम्बुलेंस चली थी वो बर्बाद हो गई, पुलिस की 100 नंबर 112 वो बर्बाद कर दी।
आज हर स्तर पे जहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा है, जो योजनाएं समाप्त हो गई और महंगाई कितनी बढ़ी है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। जो लोग जीएसटी के बहाने दूध दही को टैक्स लगा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, विदुना तहसील क्षेत्र में पूर्व गेस्ट हाउस, विधायक गेस्ट हाउस में आज पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उन्होंने सीधा निशाना फिर एक बार बीजेपी पे साधा है। साफ साफ उन्होंने कहा है कि बीजेपी को जनता उखाड़ने का मन बना चुकी है। क्या जानकारी है आपके पास? जी हाँ, आपको बता दें कि औरैया जिला के विदुना गेस्ट हाउस में पूर्व विधायक से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। वही कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी कई सवाल उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अब जनता ने मन बना लिया कि पूरी तरीके से वर्तमान सरकार उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। जाहिद, अखिलेश यादव ने और बीजेपी पे क्या क्या आरोप लगाए हैं? जैसा कि आपको बता दें कि नोएडा में 450 लगातार सुपर टेक की कंपनी को लेकर भी उन्होंने बताया था कि बीजेपी अखिलेश यादव की तरफ इशारा किया था। तो उन्होंने बातों ही बातों भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा हुआ है। जाहिद, अमूमन देखने में आता है कि अखिलेश यादव बराबर बीजेपी के खिलाफ ट्वीट करते रहते हैं और आज तो देश की एक बड़ी कमान प्रदेश के बीजेपी द्वारा प्रदेश के अध्यक्ष नए निर्वाचित अध्यक्ष को सौंपी गई है। इस पे भी अखिलेश यादव ने कुछ ना कुछ तंज जरूर कसा होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि बराबर वो निशाना साध रहे उन बच्चियों के ऊपर और एक नई रणनीति बनाए तैयार कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक सदस्य अभियान भी चलाया जहाँ पर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए लोगों को एक सदस्य अभियान जगह सदस्य बनाकर अपनी नई भूमिका निभा रहे हैं। जी जाहिद, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल 4:04 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ बार